दोस्तों, आज जो फिल्म देखी है मैंने, उसे देखकर सच में मुझे बहुत मज़ा आया। ये फिल्म थी ही इतनी एंटरटेनिंग, खासकर मनी हाइस्ट वालों की जो खिल्ली उड़ाई गई है वो तो कमाल है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता, वेलकम टू फिल्मी मीता। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या देख लिया है मैंने। मैं बात कर रही हूँ मेजर ग्रूम प्लेग डॉक्टर मूवी की। ये एक रशियन मूवी है, इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इस फिल्म की आइडियोलॉजी ही इस फिल्म को खास बनाता है। ये एक एंटी कम्युनिस्ट मूवी है जो एक्शन ड्रामा से भरपूर है। इस फिल्म में मनी हाइस्ट की आइडियोलॉजी पर करारी चोट की गई है। मनी हाइस्ट में ये दिखाते कि अमीरों का पैसा बैंक से लूटकर हम अमीर हो जाएंगे, हम सब बराबर हो जाएंगे, हमारे बीच की अमीरी गरीबी की दीवार गिर जाएगी। पर इस मूवी में ये दिखाया गया है कि दूसरों को लूट कर, उनको मार कर कोई भी अपने को सही नहीं ठहरा सकता। हर समाज में अमीर गरीब दो वर्ग होते ही हैं। गरीब वर्ग अमीरों से नफरत करता है, पर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो कानून को हाथ में ले ले। इस फिल्म की दूसरी खास बात है इस फिल्म का हीरो मेजर इगर ग्रूम। तिखोन जिजनवेस्की ने पुलिस इंस्पेक्टर मेजर इगर ग्रूम का रोल प्ले किया है। इनका लुक बहुत शानदार है। इस बंदे का अपना अलग ही अंदाज है। ये भाई साहब अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हैं, काफ़ी ऑनेस्ट पुलिस वाले हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं, पर इनका काम करने का तरीका थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए ग्रूम के सीनियर्स काफ़ी नाराज़ रहते हैं। कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर ग्रूम भाई साहब कानून के हद के बाहर चले जाते हैं। मूवी का कैमरा वर्क भी काफ़ी अच्छा है, रशिया के लोकेशन से भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो अब सुन लेते हैं इस फिल्म की स्टोरी, पर इससे पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाना ना भूलें। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग के रोड पर एक ट्रक जा रही है जिसमें कुछ लुटेरे बैंक लूटकर भाग रहे हैं, जिनकी कॉस्ट्यूम और मास्क हमें मनी हाइस्ट की याद दिलाती है। उनके पीछे हमारा हीरो इंस्पेक्टर एगर ग्रूम भाग रहा है। थोड़ी मेहनत के बाद वो उन्हें पकड़ लेता है, पर इन सब के चक्कर में वो पैलेस स्क्वायर में घुस जाता है और वहाँ की प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान पहुँचा देता है, जिसकी वजह से उसके सीनियर रिवांच उससे बहुत नाराज़ हैं। रिवांच इगर को वार्निंग देते हैं कि आगे से तुम ऐसा नहीं करोगे। चूँकि इगर एक काबिल ऑफिसर है, रिवांच के दोस्त का बेटा भी है, इसलिए रिवांच उसे हर बार वार्निंग देकर ही छोड़ देते हैं। अब अगले सीन में हम एक न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ देखते हैं जिसमें एक बैंक के घोटाले की न्यूज़ है और दूसरी न्यूज़ एक अरबपति के बेटे ग्रिच किंग की है, जिसने एक छोटी बच्ची को महंगी कार के नीचे कुचलकर मार दिया था। उसके केस की आज आखिरी सुनवाई है। इसे भी इंस्पेक्टर ईगर ने ही अरेस्ट किया था। वो बच्ची अनाथ थी और अपने भाई के साथ एक अनाथ आश्रम में रहती थी। भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के कारण उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पाता और ग्रिच किंग छूट जाता है। उस बच्ची का भाई लोशा बहुत अपसेट होता है और वह वहाँ से भाग जाता है। कोर्ट में इगर को एक लेडी मिलती है जो उस अनाथ आश्रम की टीचर है। इगर उसे अपना नंबर देता है कि अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करें। उसके बाद इगर अपने घर जाता है जो कि बहुत खस्ता हाल है, ऑलमोस्ट खंडहर जैसा है। इगर भी बहुत अपसेट है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सर्गी नाम के एक आदमी को जो कि एक आईटी गुरु है और उसने विमस्ते नाम की एक हाई टेक्निक ऐप बनाया है। वो उसका लॉन्च करने वाला है, इसलिए नर्वस फील कर रहा होता है। उसके दोस्त के ओलग के समझाने पर सर्गी स्टेज पर जाता है और ऐप की खासियत बताता है। उसी समय वो एक न्यूज़ चैनल पर देखता है कि ग्रिच किंग को कोर्ट ने छोड़ दिया है। इसे देखकर सर्गी बहुत अपसेट हो जाता है और अपने दोस्त ओलेग से कहता है कि वो बच्ची हमारे ही अनाथ आश्रम की थी, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सके, उस लड़के को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। यह सुनकर सर्गी का दोस्त ओलेग कहता है कि उस लड़की को सज़ा मिलेगी। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में इगर अपने सीनियर के घर पर डिनर पर गया है क्योंकि इगर उनके दोस्त का बेटा है। वो इगर को समझाते हैं कि वो अपना गुस्सा थोड़ा शांत रखे और कुछ दोस्त बनाए। तभी इगर को उस अनाथ आश्रम की टीचर का कॉल आता है। वो बताती है कि उस बच्ची का भाई लोशा लापता हो गया है। इगर उन्हें बोलता है कि मैं देखता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम उस अमीर लड़के ग्रिच किंग को देखते हैं जिसे कोई नकाबपोश मार रहा होता है। ग्रिच किंग उससे बचने के लिए अपनी कार में बैठ जाता है, पर वो नकाबपोश उसे अपने रिस्ट से फायर ब्लास्ट करता है और ग्रिच किंग को उसकी कार के साथ ही उड़ा देता है। तभी वहाँ इगर आ जाता है। वो नकाबपोश इगर पर भी अटैक करता है, पर इगर बच जाता है।
अब ईगर पुलिस हेडक्वार्टर में बैठकर उस नकाबपोश का स्केच बनवाता है, पर किसी को भी ईगर की बातों पर विश्वास नहीं होता। तभी उसके सीनियर आ जाते हैं और बताते हैं कि ग्रिचकिंग के मर्डर केस में पुलिस ने लोशा को पकड़ लिया है। वहीं डोबिन नाम का एक नया पुलिस ऑफिसर आता है जो उस नकाबपोश का स्केच बनाकर लाता है। इधर ईगर लोशा से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इनोसेंट हो, क्या तुम उसे जानते हो जिसने ग्रिचकिंग को मारा है? लोशा बोलता है मैं नहीं जानता, पर वो जो भी है असली हीरो है। ईगर इस केस पर काम शुरू कर देता है, वो फाइल तैयार करता है। रात को ईगर जब घर जा रहा होता है तो रास्ते में कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ईगर उनकी अच्छी पिटाई करता है और लड़की को फर्स्ट एड के लिए घर ले आता है। वो लड़की ईगर से चाय मांगती है। जैसे ही ईगर किचन में चाय लेने के लिए जाता है, लड़की उस फाइल की फ़ोटो ले लेती है जिसे ईगर ने तैयार किया था। जब ईगर किचन से आता है तो देखता है कि लड़की वहाँ से जा चुकी है। इधर सर्गी टीवी पर ग्रिचकिंग के मर्डर की न्यूज़ देख रहा होता है। तब तक उसका दोस्त ओलेग नकाबपोश का सूट पहनकर वहाँ आता है। सर्गी उसे देखकर जान जाता है कि ये सब ओलेग ने किया है। वो ओलेग से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, ये करना गलत है। जिस पर ओलेग कहता है कि यही सही तरीका है उन लोगों से निपटने का जो हमारे शहर को तबाह कर रहे हैं। वो आगे बोलता है कि अभी तो ये खेल बस शुरू हुआ है। अगले सीन में वो नकाबपोश जो कि ओलेग है, वो सर्गी के ऐप विमस्ते पर अपना वीडियो अपलोड कर देता है जिसमें वो अपने आप को बीमारी ख़त्म करने वाला एक डॉक्टर बताता है, प्लेग डॉक्टर। वो उस बैंक की मालकिन को मारने का लाइव वीडियो बना रहा होता है जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ था। ये वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है और करोड़ों लोग उसे देख लेते हैं और प्लेग डॉक्टर को अपना हीरो मान लेते हैं। सारे टीवी चैनल्स पर प्लेग डॉक्टर की न्यूज़ छाई होती है। पुलिस उस लड़के लोशा को छोड़ देते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में मॉस्को से दो ऑफिसर्स भेजे जाते हैं जो अब प्लेग डॉक्टर केस पर काम करेंगे। ईगर को इस केस से निकाल दिया जाता है और डॉबिन के साथ एक छोटे से केस पर डाल दिया जाता है जिससे ईगर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो छुपकर प्लेग डॉक्टर के केस पर काम करने लगता है जिसमें उसके साथ डॉबिन भी होता है। ईगर अपने कॉन्टेक्ट से अपने अंदाज में इंफॉर्मेशन निकालता है। फिर ईगर सर्गी के ऑफिस उससे पूछताछ के लिए जाता है। वो सर्गी से कहता है कि आप अपने विमस्ता ऐप पर ऐसे वीडियोस अपलोड होने से रोकिए, जिस पर सर्गी कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अब ईगर अपने ऑफिस आता है जहाँ डॉबिन उसे यूलिया नाम के एक रिपोर्टर का वीडियो दिखाता है जिसमें ईगर की फाइल के अंदर की फ़ोटोज़ और स्केच होता है। ईगर उस लड़की को पहचान जाता है, ये वही लड़की है जो उस रात ईगर के घर आई थी। ईगर उस लड़की यूलिया के घर जाता है और उसे बोलता है कि आगे से ऐसा किया तो तुम्हें अरेस्ट कर लूँगा। फिर ईगर यूलिया का लैपटॉप पानी में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में नकाबपोश एक फिलिप नाम के आदमी और उसकी पूरी फैमिली को, जिसमें बच्चे भी हैं, जिंदा जला देता है। ये आदमी गार्बेज का बिजनेस करता था। वीडियो फिर से वायरल कर दिया जाता है। मीडिया में चारों ओर सिर्फ प्लेग डॉक्टर की बात हो रही है। लोग सड़कों पर हंगामा करने लगे हैं। पुलिस पूरे शहर में फैल गई है। प्लेग डॉक्टर को बहुत से लोग अपना हीरो समझने लगे हैं और उसके जैसे बनने की कोशिश करने लगते हैं। इधर सर्गी बहुत परेशान है। वो ओलेग से कहता है कि ये सब बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को सब बता दूंगा। जिस पर ओलेग उसे कहता है कि पुलिस मेरे साथ तुम्हें भी पकड़ेगी और तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम चुप रहोगे। अब नेक्स्ट सीन में डॉबिन ईगर के घर आता है। वो ईगर को बताता है कि आज रात एक रॉयल कैसीनो की ओपनिंग है जहां शहर के सारे अमीर लोग आएंगे, हमें वहां चलना चाहिए, शायद डॉक्टर प्लेग भी वहां आएगा। ईगर अपने कॉन्टेक्ट से इनविटेशन कार्ड और कार अरेंज करता है और कैसीनो ओपनिंग पार्टी में पहुँच जाता है। वहाँ शहर के सारे रईस आए हुए होते हैं। सर्गी भी वहाँ आता है। ईगर को वो जर्नलिस्ट यूलिया भी वहाँ मिलती है जो हाइट कैमरा से वहाँ की रिकॉर्डिंग कर रही होती है। अचानक वहाँ प्लेग डॉक्टर को सपोर्ट करने वाले बहुत से गुंडे आ जाते हैं। वो लोगों को मारने लगते हैं। वो लोग सर्गी पर भी अटैक करते हैं, पर ईगर उसे बचा लेता है। यूलिया ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। इधर मॉस्को से आए हुए ऑफिसर्स डॉबिन को घेर लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने हमें सच नहीं बताया कि ईगर कहाँ है तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी।
डॉबिन उन्हें कसिनो के बारे में सब बता देता है। कसिनो में पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस काफ़ी लोगों को अरेस्ट करती है और ईगर को सस्पेंड कर दिया जाता है। यूलिया ईगर को वीडियो दिखाती है जो उसने कसिनो में लिए थे। ईगर गुस्से में उसका फ़ोन तोड़ देता है, पर रात को वो यूलिया को उसके घर सॉरी बोलने जाता है और नया फ़ोन भी देता है। अब अगली सुबह ईगर उस अनाथ आश्रम में जाता है जहाँ लोशा रहता है, पर लोशा उसे वहाँ नहीं मिलता। वहाँ की टीचर से उसे पता चलता है कि सर्गी राजमोस्की और उसका दोस्त ओलेग यहीं पर बड़े हुए थे, इसलिए वो हमारी काफ़ी मदद करते हैं और दान भी देते हैं। आश्रम में सर्गी की पुरानी कुछ चीज़ें संभाल कर रखी गई थी, जिसमें एक नोटबुक था। उसमें उसे उस नकाबपोश की मास्क का स्केच था जो प्लेग डॉक्टर पहनता था। ईगर समझ जाता है कि सर्गी का प्लेग डॉक्टर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो सर्गी के ऑफिस जाता है जहां वो सर्गी को नोटबुक दिखाता है जिसमें प्लेग डॉक्टर का स्केच होता है। वो सर्गी से सच बोलने को कहता है। तब सर्गी ओलेग का नाम लेता है, जिसे सुनकर ईगर हैरान रह जाता है। वो सर्गी से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ओलेग एक साल पहले ही मर चुका है। असल में प्लेग डॉक्टर सर्गी ही है। उसके भीतर डबल पर्सनैलिटी होती है जिसे वो ओलेग समझता है। वो ओलेग बनकर खुद ही सबको जिंदा जलाता है। उसने एक बहुत महंगा सूट भी बनवाया होता है। ईगर कुछ कर पाता है इससे पहले सर्गी उसके सिर पर पीछे से मारता है, जिससे ईगर बेहोश हो जाता है। अब ईगर को होश आता है तो वो उस रॉयल कसिनो की बिल्डिंग की छत पर होता है। कसिनो के मालिक का मर्डर हो चुका होता है। ईगर ने प्लेग डॉक्टर का सूट पहन रखा होता है, जिससे पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब ईगर के घर की तलाशी भी होती है, जहां से फायर ब्लास्ट की चीज़ें मिलती हैं। ईगर को जेल में डाल दिया जाता है, जहां उसकी लॉयर उससे मिलने आती है। असल में यूलिया लॉयर बनकर वहां आती है। वो और डॉबिन ईगर को जेल से भागा ले जाते हैं। अब डॉबिन, यूलिया और ईगर सर्गी को अरेस्ट करने का प्लान बनाते हैं। अब ईगर सर्गी के यहाँ फिर से जाता है, जहाँ सर्गी प्लेग डॉक्टर का सूट पहनकर रेडी रहता है। वो ईगर पर फायर अटैक करता है और एक वीडियो वायरल कर देता है, जिसमें वो लोगों को भड़काता है और अमीरों को मारने को कहता है। वो पुलिस हेडक्वार्टर को भी उड़ा देता है, जिससे शहर में पुलिस की कमी हो जाती है। प्लेग डॉक्टर को हीरो मानने वाले लोग सड़कों पर दंगा करने लगते हैं। अमीरों को उनके घरों में घुसकर मारने लगते हैं। इधर सर्गी ईगर पर फिर से फायर अटैक करता है, पर तभी यूलिया और डॉबिन आ जाते हैं। सर्गी तीनों पर अटैक करता है। यूलिया, डॉबिन वाटर पाइप से सर्गी को रोकते हैं, पर सर्गी अटैक करता जाता है। ईगर उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और इसी चक्कर में दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं, पर यूलिया और डॉबिन उन्हें पकड़ लेते हैं और ऊपर खींच लेते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। सर्गी बोलता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं ही डॉक्टर प्लेग हूँ, जिस पर यूलिया उसे उसकी वीडियोस दिखाती है जो उसने ईगर के कपड़ों में लगे छुपे हुए कैमरे से बनाया होता है, जिसमें सर्गी साफ साफ कह रहा होता है कि वही डॉक्टर प्लेग है। यूलिया वो वीडियो अपलोड कर देती है, जिसे देखकर शहर में हो रहे दंगे भी बंद हो जाते हैं। पुलिस सर्गी को अरेस्ट कर लेती है। पूरे शहर में फिर से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाता है। ईगर को अपनी जॉब भी वापस मिल जाती है। मूवी के एंड सीन में ईगर अपने दोस्तों के साथ, यूलिया और डॉबिन के साथ, एक बिल्डिंग की छत पर बैठा है। अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दोस्त हैं। वो उनके साथ रहने लगा। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।